हेलो एवरीवन, अगर बीपी बढ़ा होता है तो आपके हार्ट पर जोर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ मेजर स्टेप लें ताकि हाई बीपी कंट्रोल में आ सके। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कुछ होम रेमेडीज़ जो कि बढ़े हुए बीपी को कुदरती तरीके से कम कर सकती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ होम रेमेडीज़ बढ़े हुए बीपी के बारे में फुल डिटेल। दोस्तों, हाई बीपी कम करने के लिए लोग एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं। ये इफ़ेक्टिव तो बहुत है, पर लंबे समय तक लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे सर दर्द, थकावट इत्यादि प्रॉब्लम हो सकती है। पर आज मैं जो बताने जा रही हूँ उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ़ है और इफ़ेक्टिव भी है। और हाँ, अगर आपकी एलोपैथिक की दवा चल रही है तो आपको दवा एकदम से बंद नहीं करना है। अगर दवा चल रही है तो पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें और फिर धीरे धीरे बंद करें, वो भी डॉक्टर अगर बंद करने को बोले तो। तो चलिए मैं वो होम रेमेडीज़ बताती हूँ जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। आज मैं आपको बहुत सारे होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इन सब नुस्खों में आपको एक, दो या तीन नुस्खे ही अपनाने हैं, यानी आपको जो सुविधा हो वो नुस्खा आपको अपनाना है, वो आप कर सकते हैं। सारा नुस्खा एक साथ नहीं अपनाना है। रेमेडी नंबर वन, पहली जो होम रेमेडीज़ है वो है गार्लिक, जिसे हम लहसुन भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसे लेने के लिए आप लहसुन की दो कलियां ले लीजिए और सुबह उसे चबा चबा कर खाली पेट खाना है और फिर वार्म वाटर पी लेना है। अगर आप कच्चा लहसुन नहीं खा सकते हैं तो आप गार्लिक पाउडर भी ले सकते हैं लुक वार्म वाटर के साथ, ये मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको जो सुविधा हो आप वो ले सकते हैं। रेमेडी नंबर टू, दूसरी रेमेडीज़ है नींबू यानी लेमन। इसे लेने के लिए हाफ लेमन आपको लेना है और एक ग्लास लुक वार्म वाटर में इसे लेकर डालकर इसे 3-4 घंटे के अंतर में पीते रहना है, जिससे बीपी कंट्रोल में आ सकता है। रेमेडी नंबर थ्री, थर्ड जो होम रेमेडीज़ है वो है गाजर का जूस। इसको भी नियमित रूप से लेने से हाई बीपी कंट्रोल में रहता है। रेमेडी नंबर फोर्थ होम रेमेडीज़ है चुकंदर का जूस। इसका अगर आप जूस नियमित रूप से प्रयोग करें तो हाई बीपी कंट्रोल हो सकता है। रेमेडी नंबर फिफ्थ जो रेमेडी है वो है आंवला और हनी। ये दोनों काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। इसे खाने के लिए आंवला का जूस ले लेना है 1 चम्मच और उतना ही हनी उसमें मिक्स करके खाली पेट इसे खाना है, और इसे मॉर्निंग में खाली पेट और डिनर के बाद भी आप ले सकते हैं। रेमेडी नंबर सिक्स्थ होम रेमेडीज़ है तुलसी और नीम। तुलसी के 5 पत्ते ले लीजिए और नीम के 2 पत्ते ले लीजिए, दोनों को पीस कर फिर 1 गिलास पानी में उसको डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर उसे स्ट्रेन कर पी लीजिए। ये भी खाली पेट आकर आप लोग लीजिएगा तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इम्पॉर्टेंट टिप्स, जब हाई बीपी हो तो ज़्यादा कोशिश करें कि विटामिन सी वाला वेजिटेबल और फ्रूट्स को ज़्यादा लें। दूसरी टिप्स ये है कि जो वाइट सॉल्ट रहता है उसको इंटेक कम करें, अब पहले जितना लेते थे उससे कम खाएं। और सबसे बड़ी बात
कि आप ऊपर से कभी भी नमक नहीं लें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट आप ले सकते हैं, वाइट सॉल्ट आप कभी भी ना लें। थर्ड टिप्स यह है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, जिससे आपका बॉडी हेल्दी रहे और स्ट्रेस भी कम हो। फोर्थ टिप्स में आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, स्ट्रेस को कम करना होगा। आप कोशिश करें कि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। फिफ्थ टिप्स में मैं बताने जा रही हूँ कि आपको अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और सिक्स्थ और लास्ट टिप ये है कि आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। हेल्दी डाइट लेने से हाई बीपी कंट्रोल में हो जाता है। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।